Today's topic is how a batsman gets LBW out and DRS. तो चलिए शुरू करते हैं। LBW stands for leg before wicket. तो किसी भी LBW decision में तीन चीजें important होती हैं: pitching, impact and hitting the stumps or not. तो इस पूरे वीडियो में हम एक राइट हैंडेड बैट्समैन कंसिडर करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दिस इज अ राइट हैंडेड बैट्समैन, ये उसकी ऑफ साइड है एंड ये उसकी लेग साइड है, या उसको आप ऑन साइड भी बोल सकते हो। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट पिचिंग। फ्रेंड्स, ये जो बीच में लाइन दिख रही है वो स्टंप्स लाइन है। तो किसी भी बैट्समैन को आउट डिक्लेयर करने के लिए बॉल या तो ऑन द लाइन या तो ऑफ साइड पिच होनी चाहिए। अगर बॉल लेग साइड ऑफ द लाइन पिच हुई हो तो बैट्समैन को नॉट आउट डिक्लेयर दिया जाएगा और आगे का इम्पैक्ट एंड ऑल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, तीनों फैक्टर में एक चीज कॉमन है, वो है अंपायर्स कॉल, जो मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट। सो फ्रेंड्स, इम्पैक्ट मीन्स जब बॉल बैट्समैन के पैड पर लगती है तब। सो इम्पैक्ट हमेशा इनलाइन होना चाहिए। अगर ऑफ साइड या लेग साइड कहीं भी लगे तो वो नॉट आउट होगा। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। इस वीडियो में आप ध्यान से देखो तो इम्पैक्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप था, देन टू बैट्समैन वॉज डिक्लेयर्ड आउट, क्योंकि बैट्समैन ने कोई शॉट ऑफर नहीं किया था। सो इन दिस केस इम्पैक्ट नहीं देखा जाता। ऑफकोर्स पिचिंग एंड हिटिंग द स्टंप्स और नॉट देखा जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये रूल नहीं होता तो बैट्समैन डिफेंस में मोस्टली टेस्ट मैचेस में जब ड्रॉ करने के लिए खेल रहे हो तो सिर्फ पैडिंग ही करते। एंड वन मोर थिंग अबाउट इम्पैक्ट, इस पिक में आप देख सकते हो कि बॉल सचिन तेंदुलकर के शोल्डर पे लगी थी और देन टू उन्हें LBW डिक्लेयर किया गया था। सो द रूल इज, आपकी बैट और आपके ग्लव्स और उसके रिस्ट पार्ट तक को छोड़ के कहीं भी बॉल लगे तो उसे LBW डिक्लेयर किया जा सकता है। हिटिंग द स्टंप्स और नॉट, फ्रेंड्स ये रूल तो सभी को पता है, बॉल स्टंप्स पे लगनी चाहिए। सो ये तीनों सिचुएशन को जज करके डिसीजन लिया जाता है। एंड बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अंपायरिंग इजी जॉब है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें हर एक डिलीवरी में काफी कुछ देखना पड़ता है, जैसे कि नो बॉल, बॉलर डेंजर एरिया में लैंड कर रहा है या नहीं, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस प्रॉपर है या नहीं, और आगे जो नॉर्मल प्रोसेस है वो। सो अंपायर्स की बात निकली है तो बात करते हैं DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। DRS तब लिया जाता है जब कोई टीम ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन से सहमत ना हो। सो वो टीम उस डिसीजन के अगेंस्ट DRS ले सकती है, जिसमें थर्ड अंपायर ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन को रिव्यू करेंगे। DRS की लिमिट होती है, टेस्ट मैच के एक इनिंग में दो अनसक्सेसफुल DRS अलाउड है, वन डे और T20 में पर इनिंग एक ही अनसक्सेसफुल DRS अलाउड है। फ्रेंड्स, अनसक्सेसफुल मींस अगर आपने DRS लिया और वो आपके हिट में गया तो आप आगे भी ले सकते हो जब तक आपका DRS फेल ना हो। नॉर्मल सिनारियो में मोर